ऊपर इस असेंबली में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए आए हैं। हम जगह जगह घाटकों पर में मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक अच्छी और ईमानदार सरकार आ गई तो क्या क्या कर सकती है। एक अच्छी ईमानदार सरकार ने हमको बताया है कि कितना पैसा है गवर्नमेंट के पास। भ्रष्टाचार खाली रोक के जो पैसा बाहर जा रहा था, जो मंत्रियों के पास जा रहा था, अगर वो सिस्टम में वापस आके पब्लिक को मिल रहा है तो हॉस्पिटल बन सकती है, स्कूल बन सकती है, बस फेयर फ्री मिल सकती है, महिला को पेंशन मिल सकता है और बहुत सारी सुविधा मिल सकती है। तो ये इतना सारा अगर मिल सकता है, वही हम लोगों को बताने को आए कि आप जागरूक हो जाइए, आपकी भूख मिट गई है कि आप अच्छी सरकार की आपको भूख ही नहीं है, आपकी भूख जगाइए, अच्छी सरकार लाने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ हम कम से कम 22 नए पदाधिकारी आ रहे हैं घाटकोपर में जो हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और वो उनको सबको साथ लेके हम ये प्रचार करने वाले हैं कि एक अच्छी सरकार लाने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये होता है। पानी समझ रहे कस्ते का प्रश्न हुआ, स्ट्रीट लाइट हुआ, यहाँ पर कैमरे की कोई सुविधा नहीं है, लोगों को जाने से महानगर का कोई फलक लगा नहीं है, ऐसे बहुत सी समस्या को लेकर महानगर पालिका में पाठ पढ़ाओ और लोगों को पार्टियाँ तो बहुत सारी है, कॉन्टिन्यूटी है, क्षेत्र के स्तर पर भी बहुत सारी, परंतु आप इनकी जो भूमिका गतिविधियाँ उस पर मैंने दिन युवा होने के करुण होने के कारण मैं ये पार्टी का चुनाव किया और तन मन से इनकी जो भूमिका है, जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल इस तरह से माननीय सर्वानी ने हमारे आम आदमी पार्टी के पास किया है, अरविंद जी केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली में जिस तरह से काम किए हैं उसी काम को ध्यान रखते हुए हम उसी नतीजे से पूरी ताकत से आम आदमी पक्ष के लिए एक कार्यकर्ता किस स्वरूप में काम कर रहे हैं। सिंधी जगह जिस तरह से मैंने कहा कि मुझे ये अनेक सालों से समाज का काम पर करते आए, 2017 में मैंने महानगर पालिका सुधा चुनाव चुनाव में भी देखा था, तो उसी का मुझे इनके बारे में मानव भी याद करें और लोगों की जैसी समस्या है, मैं कई महीनों से आ रहे थे इस रिकॉर्ड में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्या पूछा हूँ, तो लोगों ने काफी साल जो काम अभी तक हुए नहीं उसकी मेरे पास काफी एक छोटा सा मैनिफेस्टो मैंने मेरे लेवल स्तर पर बनाया, उस पर ध्यान रखकर पूरा काम कर रहा है महानगर पालिका में खुद कर पूरे लोगों की काम करने का काम कर रहा है। चुनाव आ रहा है, किस तरह आपका तैयारियां रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता को पहले तो अपने एरिया में जानकर लोगों की समस्या देखना चाहिए और उसी तरह मैंने मेरे एरिया की जो समस्या है पूरी तरह से जान चुका हूँ और उसको अभी अमल करने जाऊंगा कि लोगों की कौन सी समस्या रुके हैं प्रलंबित है और उसको मेरे पूरे प्रयास से पूरा करने का मैं प्रयत्न करूंगा। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।